हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। खबर आ रही है वोडाफोन आइडिया के संदर्भ में। दरअसल जो बैंक गारंटी का मामला था और उसमें जो छूट की बात थी उसको लेकर दरअसल जो दूरसंचार विभाग है उन्होंने कंपनी से एग्जैक्टली एक प्लान मांगा है अगले 4 से 5 सालों का। दरअसल अगर आप इस बैंक गारंटी में छूट की कल्पना करते हैं और की गुंजाइश तलाश रहे हैं तो आप अपना 4 से 5 साल का हमें रिवाइवल प्लान दिया दें ताकि AGR और स्पेक्ट्रम बकाया को चुका सकती है कि नहीं। और मतलब ये बड़ा डेवलपमेंट है। असीम मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। असीम, आई थिंक अब ये एक और शायद वोडाफोन आइडिया को रिवाइव करने के चांसेस बन रहे हैं। दूरसंचार विभाग का मानना भी बिल्कुल सही है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या मांगा है वोडाफोन से ताकि इस संदर्भ में उनकी बैंक गारंटी पर जो छूट है उसका विचार किया जा सके। देखिए, वोडाफोन आइडिया की 24,700 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी ड्यू हो गई है, लेकिन और उसने उसको लेकर के कंपनी ने दूरसंचार विभाग से उस पर वेवर मांगा था, लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर वेवर नहीं दिया है। सरकार उसके ऊपर अभी भी विचार कर रही है। ठीक उससे पहले सरकार ने कंपनी से अगले 4 से 5 साल का रिवाइवल प्लान मांगा, उनके फाइनेंशियल्स मांगे, उनसे पूछा है कि आप बताइए आप सरकार की लायबिलिटीज को किस तरह से चुकाएंगे। ये भी बता दूं कि कंपनी के ऊपर फिलहाल 2 लाख करोड़ रुपए की लायबिलिटी है, इसमें से 1,30,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी स्पेक्ट्रम की है, जबकि 70,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी जो है वो AGR की है। तो जैसे ही सितंबर 2025 में मोरेटोरियम पीरियड खत्म होगा तो इस कंपनी को पेमेंट करने के लिए हर साल करीबन 43,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। तो सरकार ये जानना चाहती है कि क्या आप चुका सकते हैं ये पैसा, आपके पास ये पैसा कहां से आएगा, आप इस फंड को कहां से लेकर के आएंगे, आप पहले हमको ये बताइए तब हम आपको बैंक गारंटी के ऊपर छूट देंगे। ऐसा ना हो कि हम आपको बैंक गारंटी के ऊपर छूट दे दें और उसके बाद हमें पता चले कि आप इस पैसे को चुका ही नहीं सकते और हमारे ऊपर एक एडिशनल लाइबिलिटी हमारे ऊपर क्रिएट हो जाए। तो इसलिए सरकार ने कंपनी से अगले 4 से 5 साल का प्लान सौंपने के लिए कहा कि आप ये बताइए कि आप सरकार का पैसा किस तरह से चुकाएंगे, और अगर कंपनी इसका जवाब देती तो सरकार उसके बाद ही कंपनी को बैंक गारंटी पर छूट देने का कोई फैसला लेगी।